कांदी कांदी माँ को पुओ कहिला माँ लो मते से माने घर को डाकी अपमान देले मु सही परुनी लो माँ आ तार किछि समय परे वो घर भितरे कबार दे जीवन हारि देला से पैसा गोटा कहला सुध पैसा आसी लेबे मने सुध पैसा लिपु आसु बुझियो हो आज्ञा कांथरु लिभि नाही बाहा घर रो चित्र ले सुध कारोबार पई आज चली जाइछि युवकक जीवन मात्र 10,000 निज बाहाघर समय स्थानीय अंचल जड़े महिला निकटू 10,000 टंका 5% सुधरे आनी टा सुझे विलंब होवु उक्त महिला घर को डाक एमती दुर्व्यवहार करे आड़ी गुलज करे शेषे सही पारे ना असम्मान घर को फेरिले माँ को कहले आ जीवन हार काली तो से आसिक कबार दे फोन करकिना घर रूम भितर बसिगले तापर आम डाकिल शुणिले कि भात खाइबा डाकुचे शुणिले हाँ आज नुआ बाहाघर सरीला से बाहाघर पर टंका सुध को आनी सुध टंका अवमान हो आज जीवन सारी एभली घटना देखा मिली कप्तिपदा थाना डिबासाही ग्राम से डिबासाही ग्रामर दीपक पात्र गत मार्च 10 तारीख बहुत करते निज बह समय से कप्तिपदा अंचल महिला मनिका जेना निकटू 10,000 टंका 5% सुधरे आनी जहाँकि बाहाघर पर निज कर्मस्थल चेन्नई जाता बेले एक मास पूर्व बापा मृत्यु होता बेले बापा मृत्यु खबर पाई से घर को आसी गत काली से पुणी चेन्नई फेरी जा प्रस्तुत आरंभ कर सुध टंका देवाई महिला एवं पु दीपक को निज घर को डाकिले आ टा न दे गाड़गुलज करने सहित दुर्व्यवहार करते जहाँकि फेरवापर समस्त सान सुध कारबार करुवा माँ एवं पुओ अपमानित करा कथा माँ को जन आर घर भितर पशि जा भितर आड़ कबाड़ दे निज जीवन हारिदे तो भाई ते पु कबाड़ दे जीवन हारी परिवार लोके जानि नथिले एमिती पु करि परिवार लोके अनेक डाकिबा परे भी कबाड़ न खोलिबरु कबाड़ भांगी देखिला बेलकु पु आउ नै सेपटे कप्तिपदा पुलिस घटनास्थल रे पहुंची मृतदेह जबत करिबा सहित तदंत आरंभ करिछि सेपटे सुध टंका पई भाई को मानसिक निर्यातना दे जीवन हारिबाकु एभली बाध्य कर दैथिबा नै अभिजोग करिछन्ति मृतक दीपकक भाई से पैसा आनी से मनिका जेना आ कल्पिता जेना पु से डाक कौन कही से मानसिक चापर से 10,000 टाँह से आनी म्यारेज टाइम तार ये मार्च 10 रे म्यारेज होता 5 टा सुधर आनी से कथा भी आम जान नु गत मस बापा डेथ टाइम से आसला गत मस 8 तारीख बापा डेथ होता से ही टाइम आसला आम जान लु से पैसा से आनी कहला आम पैसा देदेबू बोली तापर से बारंबार कॉल करके डाकी पुणी काली से घर को डाकी कौन कौन कही से आसिक अढ़ेटा परे परे से मानसिक चापर कप्तिपदारू श्वेत सुंदर मल्लिक रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।